भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर विधायक का पुतला दहन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। साथ ही पुलिस द्वारा बनाए बैरिकेड्स को पार नहीं करने से आक्रोशित भाजपाइयों ने सड़क जाम कर आक्रोश जताया। दुर्ग शहर में बदहाली, जर्जर सड़कें और नगर निगम की चरमराई व्यवस्था से नाराज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के मार्गदर्शन में और भाजयुमो के जीत हेमचंद यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और गुरुवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसके बाद दुर्ग पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को लांघ नहीं पाने के कारण सभी भाजपा के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक पर ही सड़क जाम कर अपना आक्रोश जताया। आजादी के बाद से दुर्ग नगर के देव एवं देवी तुल्य मतदाताओं ने एक पक्षी अरुण वोरा जी के प्रति विश्वास करके, वोरा परिवार के प्रति विश्वास करके इन लोगों को विधायक मुख्यमंत्री बनाते आए हैं। इस नगर का दुर्भाग्य है कि वोरा जी इतने सालों में दुर्ग नगर के कुछ भी विकास नहीं कर पाए। एक तो ये डरपोक है और बाहर से बहुत सरल बनने के प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक साहस का अभाव है। राजनीति में शस्त्र उठाना चाहिए, नहीं उठाते। मैं पहले भी बोला हूं कि नेशनल हराल्ड मामले में हम सब के पूंजी आदरणीय मोतीलाल वोरा जी का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व ने, लेकिन ये अरुण वोरा जी आज तक के उसका सम्मान को वापस नहीं दिला पाए हैं। ये उनके पिताजी का विषय नहीं है, छत्तीसगढ़ के करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोगों के इज्जत का सवाल है। हाल हो गया, यहाँ भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम सीमा में है। नगर निगम में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहाँ के महापौर उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। अरुण वोरा जी को व्यक्तिगत संबंध बनाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इस नगर के विकास के लिए बोलने में मुंह नहीं खुलता। सड़क अस्त व्यस्त है, अमृत मिशन में पानी मिल नहीं रहा है, गड्ढा खोद दिए हैं, लोगों के जाने जा रही है। पुलगांव के आसपास तीन तीन ठो शराब भट्टी हृदय स्थल में और शहर में है, लेकिन प्रशासन आज तक हटाया नहीं है। आए दिन एक लोग दो लोग एक्सीडेंट से स्वर्ग सिधार रहे हैं। ऐसे लाखों लाखों मुद्दे हैं। मैं आपके माध्यम से इस नगर निगम में 4.5 साल में किन किन व्यक्तियों को ठेकेदारी दिया गया है ये जानना चाहता हूं और हम जांच करवाएंगे। जिस तरह से शहर विधायक अरुण वोरा पर निशाना साधते हुए कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंचे, भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विधायक वोरा का पुतला जलाया, तो वहीं गुस्साई भाजपा की भीड़ ने बैरिकेड के सामने खड़े जवानों से धक्का मुक्की कर अंदर जाने का प्रयास किया। भाजपा के वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद्य के नाक पर काफी चोटें आई, जिसके चलते पार्षद के नाक से खून बहने लगा। इस मामले में आक्रोशित भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने मीडिया के बीच अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। किस तरह का विरोध है और क्या चल रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट में घेराव करने आए थे अरुण वोरा के खिलाफ। ये अरुण वोरा के कार्यकाल में पूरे कानून व्यवस्था ठप है, यहाँ खुलेआम अपराध हो रहे हैं, यहाँ सभी तरफ क्राइम बढ़ गए हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। जब से इसकी सरकार आई है, ये विधायक बने, तब से कोई नियंत्रण नहीं है। क्राइम में खुलेआम मर्डर हो रहे हैं और यहाँ सड़क की भी समस्या है, सड़क भी है ऐसे बदतर स्थिति में, यहाँ के बनते हैं 15 दिन में उखड़ जाते हैं और शिक्षा के व्यवस्था बहुत ठप है। यहाँ शिक्षा में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, बच्चों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, फर्जी शिक्षक भर्ती किया जा रहा है। 50 सालों से जिस घर को कांग्रेस की ने वोट दिया, कांग्रेस जनता ने वोट दिया कांग्रेस को, और 3 बार हारने के बावजूद भी जनता ने अपना आशीर्वाद दे के फिर से अरुण वोरा को जो विधायक बनाया, 9.5 साल से उनका काम नदारद है। जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इस जनता की आवाज़ बन के भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पे उतरी है, जो कि ज्ञापन देने जाती है। ना अरुण वोरा सामने आते हैं और ना ही कलेक्टर सामने आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने जिम्मेदारियों से, अपनी जवाबदारियों से भाग रहे हैं और जनता की समस्याओं से रूबरू नहीं हो रहे हैं, जनता को जनता नहीं समझते हैं। इनकी सरकार होते हुए भी ये वहाँ से फंड नहीं ला पाते हैं,
इससे ज़्यादा फंड दूसरे जिलों में मिल रहा है, दूसरे विधानसभाओं में मिल रहा है, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है कि जो अभी वर्तमान में विधायक अरुण वोरा है वो इस क्षेत्र को संभालने में सक्षम नहीं है, जवाबदार नहीं है। इस वजह से आज भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी है, जनता की मूलभूत समस्याओं को लेके, आम जनता के जो विकास के मुद्दे हैं और जो जनता जिस चीज़ से झुलस रही है, जैसे पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, घर में जो 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 पिए पेयजल का जो अभी तक कनेक्शन लग जाने चाहिए थे वो नहीं लगे हैं, तो इसमें पूरी की पूरी जवाबदारी अरुण वोरा विधायक की है, जिसके कारण जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है और यही हमारा मुद्दा है। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और ये प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेसी विधायक के लिए, तो इस तरह की लापरवाहियों को नज़रअंदाज करते हुए ऐसा माहौल बनाना समझ से परे है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गसेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।